हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। CDP की क्लासेस चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसका पहला क्लास आपके सामने ये रहा। आप चाहो तो प्लेलिस्ट से भी सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गर्भ में, याद रखिएगा गर्भ में बात हो रही है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से या माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। देखिए एक बात याद रखिए, ये चारों ऑप्शन दिए हुए ना, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन CTET में सबसे सही को चुना जाता है। तो देखिए, अगर माँ का पोषण गड़बड़ हो गया तो बच्चा कुपोषित पैदा होगा और बहुत सारी बीमारियाँ उसके अंदर हो सकती है और उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, IQ है, वो नीचे जा सकता है, तो इसका खतरा बना रहता है। इसलिए माँ का पोषण जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन वगैरह की पूर्ति की जाती है। तो फिलहाल जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव जीवन की भौतिक एकता क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए कैसे, मनो मतलब हो गया मन, और भौतिक मतलब हो जाता है फिजिकल स्टेट, यानी कि जो सामने दिखता है वो, भौतिक का मतलब यही होता है। तो देखिए, मनो और भौतिक को अगर आप अलग अलग कर लोगे ना, आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा, मन और शरीर, भौतिक का मतलब हो गया शरीर, तो मन और शरीर का विकास को ही मानव जीवन का एकता कहलाती है। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1। इन दोनों को आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ पेपर में जब भी एग्ज़ाम में आए ना, तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। मैंने फ़िलहाल ये हिट एंड रन के तहत आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, बाल्यावस्था को 0 से 5 साल कहा जाता है, याद रखिएगा 0 से 5 ईयर्स को शैशवावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को कहा जाता है 5 से 12 वाले को, एक्चुअली ये 12 नहीं, 5 से आप जो है 8-9 पे रह सकते हो, 9 से फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। और किशोरावस्था कहा जाता है 13 से 18 वर्ष को। तो फिलहाल आपसे क्या पूछा गया है, 2 से 5 वर्ष के आयु को क्या कहा जाता है। तो देखिए, शैशवावस्था जो है 0 से 5 है, तो 2 से 5 भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 से 5 वाला आंसर कहाँ है, यहाँ है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में बच्चे का कौन सा पार्ट जो है सबसे पहले निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चे का सिर का जो है डेवलपमेंट होगा, उसके बाद स्पाइनल यानी कि उसकी हड्डियों का विकास होगा, उसके बाद जो है सर के आसपास यानी कि शोल्डर वगैरह, हाथ वगैरह, उसके बाद पेट का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, सिर और मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होगा, प्रौढ़ावस्था जब वो बूढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, किशोरावस्था में बिल्कुल नहीं होगा, बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा जब शैशवावस्था में होगा ना, उसी समय बालक का जो सर है और मस्तिष्क है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन सच है, आपको पता है कि आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन बच्चे में ज़्यादा हड्डियां होती है, ये लगभग 300 अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन आप इसे 270 मान लीजिए फिलहाल के लिए। तो 270 हड्डियां बच्चों के शरीर में होती है। तो आप बोलोगे कि जब बड़ा होता है तो ये हड्डियां कहाँ चली जाती है। तो देखिए, 2 छोटी छोटी हड्डियां जो है ज्वाइंट होकर एक हड्डी बन जाती है, जिस कारण जो है बाद में हड्डियों की संख्या घट जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कितना, 270। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, बीजा अवस्था किस सप्ताह को कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय, या 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0 से 2 सप्ताह होगा, यानी कि जब बच्चा 1 से 14 दिन का होगा, उसी समय को बीजा अवस्था कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना देनी है मुझे।
आप ना सी टेट की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो और हमारे नोट्स को चेकआउट कर सकते हो। देखिए तरीका क्या है, आपको 199 रुपये में EBS, CDP, हिंदी इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो 199 रुपये में नोट्स भी ले सकते हो, प्लस देखिए आप लोगों के लिए बोनस वाली बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हो विद आंसर की, सी टेट का जितना भी पेपर हुआ है वो भी आप ले सकते हो सिर्फ 199 रुपये में। तो देखिए जो सबसे पहले 500 कैंडिडेट होंगे उनके लिए बाद में इस प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, 199 को 499 कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है, कब वो बच्चा आरंभ कर देता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 महीना। देखिए बच्चा जब 3 माह का हो जाएगा ना, तो वो देखो किसी और के गोद में आप उसे लोगे या फिर किसी और महिला के द्वारा उसे स्तनपान कराया जाएगा, तो वो पहचान लेगा कि ये उसकी माँ नहीं है। बच्चे के अंदर इतना सेंस डेवलप हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ में जो है बच्चा अपने माँ को पहचानना शुरू कर देता है, इससे पहले वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु यानी कि कोई टॉय वगैरह उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? देखिए उस बालक की आयु होगी 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीना में बच्चा जो है अपने पसंद और नापसंद के बारे में, खिलौने के बारे में जान जाता है। देखना बच्चों को अगर आप कोई दूसरा खिलौना दोगे जो उसे पसंद नहीं है वो फटाक से फेंक देगा, और जो उसे पसंद है वो उसे छपट कर ले लेगा। यानी कि राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो देखिए आपको मैं बता दूं, आपके मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1400 ग्राम। यानी कि आप अगर अपने वजन करोगे अपने ब्रेन का तो ये 1400 ग्राम आएगा, लेकिन छोटे बच्चे का जो ब्रेन है उसका वजन कितना होता है? तो देखिए 350 ग्राम होता है छोटे बच्चे का वजन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए लाइक का भी बटन आपको दबा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सीखने का आदर्श काल माना गया है, सीखने का आदर्श काल कब माना गया है? तो देखिए शैशवावस्था को सीखने का काल माना गया है। देखिए इसका रीज़न क्या है, जब बच्चा सीखता है ना तो शैशवा काल में देखना बच्चा सबसे पहले सकिंग करता है और दूध पीना सीखता है, उसके बाद वो मुट्ठी को पकड़ना सीखता है। धीरे धीरे बच्चा जो है यहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा अप चीज़ें करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को वो यहाँ से सीखना शुरू कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना जगत में विचरण होता है। देखिए जब वो इमेजिनेशन वाले में जो फेज है उसमें जाता है बच्चा, तो ये कब जाता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था या किशोरावस्था दोनों में? तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किशोरावस्था में बच्चे ना कपोल कल्पनाएँ करना शुरू कर देते हैं, जहाँ से वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि स्कूल में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, आतंकवादियों ने हमला कर दिया और वो पूरे स्कूल को बचा लेता है, हीरो बन जाता है। लड़कियां भी अलग अलग तरह से इसी तरह से चीज़ों को जो है इमेजिन करना शुरू कर देती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना आरंभ कर देता है, आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? देखिए जैसे ही वो नीचे जाएगा या किसी और की गोद में जाएगा तो बच्चे को पता चल जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था ना आपको कि 3 माह में बच्चा जो है अपने माँ के गोद को माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो देखिए 3 माह के आसपास कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है? देखिए ये 2 साल हो गया, 3 माह से बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन नहीं होगा। 12 माह 1 साल हो गया, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 14 ये 10 माह है, इसे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। और 18 माह 3 साल का हो गया यहाँ बच्चा, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 10 महीने में बच्चा अपने जो ये क्रियाकलाप है इसे पहचानना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए बिस्तर गलत लिखा हुआ है, बिस्तर को हिंदी में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बालक प्रमुख रंगों की पहचान कर लेता है, कब बालक रंगों को पहचानना शुरू कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 5 साल। 5 साल में बच्चा जो है रंगों को पहचानना शुरू कर देता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो देखिए जो ये जो बाल्यावस्था है यहाँ पे बच्चा जो है झूठ को पकड़ना शुरू कर देता है, यानी कि झूठ बोलना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि वो सच बोल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यहाँ से सबसे पहले आप तीन पहिया की इमेज देख लो, यहाँ से आपको तीन पहिया की इमेज दिखाई दे रही होगी। और छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है बच्चा कब? जब वह पहुंच जाएगा शैशवा अवस्था में। देखिए तीन पहिए के जो जो वस्तु हैं जिसे वो चलाना शुरू करता है, गाड़ी चलाना शुरू करता है, तो वो छोटा होगा। उसे देखिए बाल्यावस्था में तो वो बच्चा दौड़ता है, साइकिल चलाता है, किशोरावस्था में तो वो बाइक भी चलाना शुरू कर देता है, और प्रौढ़ावस्था में तो वो एरोप्लेन चलाकर बैठ चुका होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे जल्दी से जल्दी याद रख लीजिए, फायदा होगा। तो देखिए ये होगा लंबात्मक विधि, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह लाइट को देखकर सबसे पहले रिएक्ट करना शुरू कर देगा। देखना जब छोटा बच्चा होता है तो आप क्या करते हो, कलरफुल बलून वगैरह आसपास लगाते हो, या फिर कोई वो लाइट जो जलता है और बुझता है वो आप लगाना शुरू करते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, प्रकाश। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस काल में? तो देखिए वय संधि काल में बच्चों को सबसे ज्यादा समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ए करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन कर देना चाहिए या शांत कर देना चाहिए, या उत्तेजित और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, या एक्टिव होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए शांत होना चाहिए। बच्चा ने अगर पूछ दिया कि आकाश में जो चिड़ियां क्यों उड़ती है, आप क्यों नहीं उड़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल लॉजिक वे में आंसर देना होगा, बिल्कुल शांति से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, या नैतिक प्रक्रिया है? तो देखिए सीखने वाली बात आएगी तो ब्रेन से जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, शारीरिक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो देखिए याद रखिएगा, मैं दो तीन चीज़ें बता दूँ। भारत में अगर पूछा जाए कि बाल विकास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता, कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई है। अगर बात की जाए यूपी में, तो यूपी में प्रयागराज से ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्लास कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले आपसे लोगों से एक बार और प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्याजे के द्वारा दी गई दो थ्योरियों का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए कि प्याजे ने दो थ्योरी कौन कौन सी दी थी। दोनों थ्योरी का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो भी सही आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले परीक्षा के लिए। जो नोट्स लेना चाहते हैं उन्हें फिर से एक बार बता दूँ, yourmithunsingh@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है उसे भी दबा दीजिए, लाइक का भी बटन दबा दीजिए। शुक्रिया आप सभी का।